हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो लेडी श्रीराम कॉलेज के ऊपर रहेगी लेडी श्रीराम कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इस पर्टिकुलर कॉलेज का है दिस कॉलेज इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन ठीक है तो इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहला जो नोटेबल चीज इस कॉलेज के बारे में वो तो ये है कि एनआईआर में इस कॉलेज का जो रैंकिंग है वो रैंकिंग टू है तो आप समझ सकते हो कि ये कॉलेज कितना ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिज्म एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी ठीक है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो कुछ चार पैरामीटर्स पे रहेगी सबसे पहले मैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या कोर्सेस लेडी श्रीराम ऑफर करती है प्लेसमेंट फिगर्स इसका क्या है उसके बाद में डिस्कस करूंगा फीस के बारे में और फाइनली मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ नोटेबल एलुमनाइज के बारे में मैं हमेशा नोटेबल एलुमनाइज के बारे में इसलिए डिस्कस करता हूं कि आपको भी एक आइडिया लगे कि जो जो स्टूडेंट्स इस कॉलेज से पास आउट है वो स्टूडेंट्स लाइफ में अपने प्रोफेशनल करियर में किस टीचर में है करेक्ट तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं तो लेडी श्राम कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा जानी जाती है क्योंकि इस कॉलेज में सबसे जो टॉप टॉप क्वालिटीज के वुमेन है हमारे कंट्री में वो इस कॉलेज के थ्रू पास आउट हुए हैं वो चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देख लो या फिर फॉरेन सर्विसेज में देख लो या फिर कॉर्पोरेट सर्विसेज में देख लो तो अगर आप एकेडमिक तरीके से अपने करियर में बहुत हाई ग्रोथ चाहते हैं तो वो कल्चर लेडी श्रीराम कॉलेज आपको फॉर श्योर sure दे सकती है और अगर आप एक लड़की हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोर्सेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो कोर्स है, like है वो बी ए प्रोवाइड करती है बी ऑन डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक इकोनॉमिक्स इंग्लिश संस्कृत पॉलिटिकल साइंस सारे चीज में बी ए का कोर्सेज ऑनर्स बी ए का जो कोर्सेज है वो कोर्सेज इस पर्टिकुलर कॉलेज के थ्रू तो आपको मिलेंगे फिर बी कॉम ऑनर्स का भी कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो बी ए प्रोग्राम भी यहाँ पे कर सकते हो आप उसके बाद बी एस सी जो है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में आप कर सकते हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी आप यहां पे कोर्स कर सकते हो ये बहुत ही फेमस कोर्स है जो कि आप लेडी श्रीराम कॉलेज से कर सकते हो आ जाते हैं हम लोग प्लेसमेंट फिगर्स की तरफ अगर प्लेसमेंट्स के बारे में हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर है वो 7.5 पॉइंट पर एनम है एंड हाइएस्ट अगर आप देखोगे तो इट्स थर्टी सेवन पॉइंट फाइव लैक्स पर एनम कैन यू जस्ट बिलीव इट थर्टी सेवन लैक्स पर एनम इज द हाइएस्ट एवरेज का भी अगर आप देख लो तो सेवन पॉइंट फाइव है एवरेज जो होती है ये सारे सारे प्रोग्राम्स को मिला करके होती है जनरली ज्यादा जो फी स्ट्रक्चर होता है कॉर्पोरेट्स उन बैचेस में प्रोवाइड करते हैं जो स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ से बीएससी किए हुए हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स किए हुए हैं या फिर बीए इकोनॉमिक्स किए हुए हैं इन सारे लोगों को सबसे ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं बट इसका कोई गारंटी नहीं है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको अच्छा खासा पैकेजेस मिलते हैं तो मैं आपको एक ओवरऑल चीज बता रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स है स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में बीकॉम ऑनर्स वगैरह जो स्टूडेंट्स है जिनको बिजनेस में अच्छा नॉलेज है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इनको ज्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं बिकॉज दीज आर द डिमांड दैट दे हैव फॉर ओन कंपनी तो अगर हम लोग कंपनीज के बारे में भी यहाँ पे बात कर ले तो डेलॉइड केपीएमजी ईवाई जो भी सारे बड़े बड़े कंसल्टिंग कंपनीज होते हैं जैसे कि एक्सेंचर या फिर बैंकिंग कंपनीज लाइक सिटी बैंक वर्ल्ड बैंक ये सारे सारे जो कंपनीज है वो कंपनीज इस पर्टिकुलर कॉलेज से स्टूडेंट्स उठाती है एंड दे टेक अप स्टूडेंट्स विद ग्रेट क्वालिटी एंड गुड सी टी सी एज वेल अगर हम लोग फीस के बारे में यहाँ पे बात करें तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो एवरेज फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड सेवेंटीन थाउजेंड होती है रेंज अगर आप चाहिए आपको तो 15k से 20k के बीच 20 में इसका रेंज होता है जो भी सारे पर्टिकुलर कोर्सेस अवेलेबल होते हैं एंड दिस इज द फीस पर ईयर तो अगर आप थ्री इयर्स का टोटल फीस देखोगे तो अराउंड सिक्सटी थ्री थाउजेंड के आसपास पड़ सकती है मैं सेवेंटीन थाउजेंड का एवरेज को पकड़ के चल रहा हूं ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा कम है एंड द एवरेज प्लेसमेंट ऑफर दैट यू आर गेटिंग इज अराउंड सेवन पॉइंट फाइव लैक्स पर एन दैट इज गिविंग यू एन ओवरऑल ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है अगर हम लोग नोटेबल एलुमनाइज के बारे में बात करें इस कॉलेज से तो उसमें अंशुला कंथ जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक का वो इस पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट है प्रजना पारमिता जो कि अभी इंडियन फॉरेन सर्विस में है वो भी इस पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट है टीना दाबी जो कि एक आई ऑफिसर है एंड शी इज वेरी फेमस ये भी इस पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट है ये ए आई थे यूपीएससी में तो आपको शायद इनका नाम पता ही होगा अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो तो ओवरऑल दिस वाज अबाउट लेडी श्रीराम कॉलेज आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छा खासा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिला है और अगर आप लेडी श्रीराम कॉलेज को एस्पायर करते हो तो ये वीडियो शायद आपको और थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन जरूर दिया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ